स्क्रैच और गूगल की टीचेबल मशीन यूज़ करते हुए ये माइक्रोबेट आधारित आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कार बनाना सकते हैं ये वॉइस कमांड ऑपरेटेड कार है जिसमें हम जब फॉरवर्ड, रिवर्स लेफ्ट राइट या स्टॉप की कमांड देते हैं बोलकर कमांड देते stop, हैं तो ये कार उसको इंटरप्रेट करके अकॉर्डिंगली बिहेव करती है तो ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कार Stop. स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं ये मशीन लर्निंग बेस्ड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट गाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गूगल की टीचेबल मशीन यूज़ करेंगे गूगल की टीचेबल मशीन में हम एक ऑडियो बेस्ड मशीन लर्निंग का प्रोग्राम तैयार करेंगे एक मॉडल तैयार करेंगे इस मॉडल को हम जो भी हम कमांड्स देना चाहते हैं जो भी हम ऑडियो बेस्ड कमांड्स देना चाहते हैं फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट राइट एंड स्टॉप इनके वॉइस सैम्पल्स हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम बार बार फॉरवर्ड 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 या रिवर्स 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 इसको रिकॉर्ड करेंगे जब हम ये वॉइस सैम्पल्स रिकॉर्ड कर लेंगे तब फिर हम अपनी मशीन को ट्रेन करेंगे और इस स्टेप में बेसिकली जो हमारी पूरी मशीन लर्निंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी और मशीन अपने आप एक एल्गोरिदम जनरेट कर लेगी जो कि इन वॉइस कमांड्स को फिर समझ पाएगा तो जब हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम फॉरवर्ड बोलेंगे तो ये ऑडियो बेस्ड मशीन लर्निंग का मॉडल हमारे को बताएगा कि वो कितनी कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि इंडीड जो कमांड आई है वो फॉरवर्ड है या, या जो ऑडियो इनपुट आई है वो फॉरवर्ड है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो 99 परसेंट कॉन्फिडेंट है ये बनाते वक्त मैंने फॉरवर्ड बोला था और ये बता रहा है कि 99% परसेंट वो कॉन्फिडेंट है कि कमांड इन फॉरवर्ड थी जब हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा तो हम उसको अपलोड करेंगे क्लाउड में और उसके बाद हमारे को एक यूनिक यू या हाइपर मिल जाएगा हम इसको कॉपी कर लेंगे और फिर हम स्क्रैच के एक स्पेशल वर्जन को यूज़ करेंगे जिसमें हमारे को माइक्रोबेड और गूगल टीचेबल मशीन के एक्सटेंशनस मिलते हैं हम सबसे पहले जो हमने मॉडल बनाया था अभी टीचेबल मशीन को यूज़ करते हुए उसको कॉल करेंगे और उसको कॉल करने के बाद हम यहाँ पर स्पेसिफिक कमांड्स देंगे कि अगर जो साउंड लेबल है जो कि फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट राइट या स्टॉप हो सकता है तो अगर वो साउंड लेबल फॉरवर्ड है तो फिर हम कमांड देंगे कि हम माइक्रोबिट में कौन सी पिन को हाई कौन सी पिन को लो करना चाहते हैं ताकि हम माइक्रोबिट से जो अटैच्ड गियर्ड मोटर्स हैं उनको अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर पाएँ कि वो हमारी गाड़ी फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट राइट जाए इसके बाद हम माइक्रोबिट यूज़ करते हुए कार बनाएंगे जिसमें हमारे को मोटर ड्राइवर बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब हम गियर्ड डीसी मोटर्स लगाते हैं तो वो जो करंट ड्रॉ करती हैं माइक्रोबिट की उतनी आउटपुट नहीं है इसलिए हम गियर्ड मोटर्स को माइक्रोबिट से एक मोटर ड्राइवर बोर्ड के साथ यूज़ करते हैं तो जब हम ये गाड़ी बना लेंगे और ये हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा और हमारी स्क्रैच में हमने सारी कमांड्स लिख दी होंगी तो फिर होगा क्या हमारा पी है वो ब्लूटूथ से हमारे माइक्रोबिट से कनेक्ट हो जाएगा हम अपने पी को ऑडियो बेस्ड कमांड्स देंगे और वो कमांड जो हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दी थी वो हमारे माइक्रोबिट को कन्वे हो जाएंगी और गाड़ी अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट या राइट मूव करेगी टू सम अप एक स्क्रैच के स्पेशल वर्जन में हम प्रोग्राम लिखेंगे और जब हम ऑडियो बेस्ड कमांड देंगे अपने लैपटॉप या पीसी के माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए तो अगर हम फॉर एग्जांपल ये बोलेंगे फॉरवर्ड तो हमारी मशीन सुनेगी और फिर जो हमने टीचेबल मशीन का मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल बनाया है उससे हमारा पीसी कनेक्ट होगा क्योंकि वो मॉडल क्लाउड पर रिजाइड करता है और वहाँ से फिर वो बताएगा हमारी पीसी को कि वॉइस कमांड क्या थी यानी कि वो जो साउंड लेबल था वो क्या था फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट या राइट right, या स्टॉप और फिर उससे एसोसिएटेड हमने जो भी कमांड लिखी होगी तो यहाँ पे साउंड लेबल फॉरवर्ड है और हमने बोला है कि कौन सी पिन हाई करो कौन सी पिन लो करो तो फिर ये इंस्ट्रक्शन विया ब्लूटूथ हमारे माइक्रोबिट को कन्वे हो जाएंगी और माइक्रोबिट से अटैच जो भी पिन हैं वो हाई लो होंगी और उसके बेसिस पे हमारी गाड़ी फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट राइट या स्टॉप हो जाएगी तो ये एक सारे स्टेप्स का ओवरव्यू है और अब मैं आपको इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ गूगल की टीचेबल मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सीखने का एक आसान तरीका है मैं teachablemachine.withgoogle.com इस वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर हम टीचेबल मशीन के बारे में समझ सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं टीचेबल मशीन या मशीन लर्निंग के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारे को तीन स्टेप्स की ज़रूरत होती है स्टेप वन में हम डेटा गैदर करते हैं इस डेटा को यूज़ करके कंप्यूटर अपने आप अल्गोरिदम जनरेट करता है जो पैटर्न रिकॉग्निशन पर बेस्ड होता है और फिर हम इस डेटा को यूज़ करते हुए अपना जो मशीन लर्निंग का मॉडल है उसको ट्रेन करते हैं और जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तब हम उसको एक्सपोर्ट करके डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में हम उस इस, इसको स्क्रैच में यूज करेंगे टीचेबल मशीन में आप तीन किस्म के मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो इमेज बेस्ड साउंड बेस्ड और पोज बेस्ड हम साउंड बेस्ड मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे हम मशीन को ट्रेन करेंगे चार पांच स्पेसिफिक कमांड्स ऑडियो कमांड समझने के लिए फॉरवर्ड, रिवर्स लेफ्ट राइट और स्टॉप तो नेक्स्ट स्टेप पे हम टीचेबल मशीन में ये मॉडल बनाते हैं तो मैं ये गेट स्टार्टेड का बटन दबाकर यहाँ ऑडियो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे को इंटरफेस मिलता है ऑडियो बेस्ड मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को मशीन को ट्रेन करना पड़ता है कि जिस भी इन्वायरमेंट में हम इस एआई मशीन को यूज़ करने वाले हैं वहाँ बैकग्राउंड नॉइज़ क्या है तो इसके लिए हमारे को ट्वेंटी सेकेंड्स का सैम्पल रिकॉर्ड करना है मैं इस मशीन को इसी रूम में यूज़ करूँगा तो मैं यहीं पर इसका बैकग्राउंड नॉइज़ जो है ये इसका सैम्पल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सैम्पल रिकॉर्ड करते वक्त मैं चुप रहूँगा तो ये सैम्पल रिकॉर्ड हो गया है मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट सैम्पल कर रहा हूँ तो अब हमारी इस मॉडल को ट्वेंटी ऑडियो सैम्पल्स मिल गए हैं बैकग्राउंड नॉइज़ के इसके बाद हम अपनी पहली जो हमारी कमांड है फॉरवर्ड, इसके लिए मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तो मैं यहाँ माइक्रोफोन दबा के हमारे को यहाँ पर एट ऑडियो सैम्पल्स ऐड करने हैं तो मैं पहला सैम्पल रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉरवर्ड 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 फिर मैं इससे सैम्पल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और हमारे को आठ ऐसे सैंपल चाहिए फॉरवर्ड 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 इसके बाद मैं एक और क्लास ऐड कर रहा हूँ क्लास का मतलब है एक और सैंपल सेट जिसपे हम मशीन को ट्रेन करना चाहते हैं तो यहाँ सेकंड है रिवर्स तो मैं रिवर्स क्लास बनाकर माइक ऑन करके अब यहाँ पे आठ सैम्पल्स रिकॉर्ड करूँगा रिवर्स 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 और इसी तरीके से हम बाकी जो हमारी क्लासेस हैं उनको भी इस मॉडल में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास मैं डिफाइन कर रहा हूँ राइट 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 फिर मैं एक और क्लास ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट और मैं फाइनली लास्ट क्लास ऐड कर रहा हूँ स्टॉप तो अब हमारी आ, सारी क्लासेस हमारे को हमने सैम्पल सेट बना दिए हैं उसके बैकग्राउंड नॉइज फॉरवर्ड रिवर्स राइट लेफ्ट और स्टॉप नेक्स्ट स्टेप पर हम इस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो मैं यहाँ ट्रेनिंग में ट्रेन मॉडल ये बटन दबा रहा हूँ तो अब ये मॉडल ट्रेन हो गया है और हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि ये हमारी जो कमांड्स हैं उनको ठीक से समझ पा रहा है कि नहीं तो बैकग्राउंड नॉइस जब मैं बिल्कुल चुप हूं तो वो ऑलमोस्ट नाइन्टी सेवन परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ उसको रिकग्नाइज कर रही है फॉरवर्ड 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 रिवर्स 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 राइट राइट लेफ्ट स्टॉप स्टॉप तो आप देख सकते हो कि जो हमारी मशीन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन हो गई है क्योंकि जब मैं वो स्पेसिफिक कमांड्स दे रहा हूँ तब वो काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मशीन कह रही है कि उसको वो समझ पा रही है इन इन ऑडियो इनपुट्स को वो समझ पा रही है ये गलत भी समझ रही है तो इसलिए जो हमारा फाइनल मॉडल होगा वो इन कमांड्स पे तो काम करेगा पर हो सकता है कभी अगर कोई और आवाज़ आए तो ये मॉडल उसको इंटरप्रेट कर लेगा गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेगा कि कमांड फॉरवर्ड रिवर्स राइट लेफ्ट या स्टॉप की आई है एनी वे दैट इज़ हाउ मशीन लर्निंग मॉडल्स वर्क काफ़ी बिग डेटा देना पड़ता है टू ट्रेन द मशीन वेल पर अभी समझने के लिए ये बहुत अच्छा एक तरीका है तो अब ये जब मॉडल ट्रेन हो गया है तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अपलोड शेयरेबल लिंक और फिर मैं ये अपलोड माई मॉडल इस कमांड को दबा रहा हूँ और अब ये जो मॉडल है ट्रेंड मॉडल है ये अपलोड हो रहा है और एक यू आर एल जनरेट होगा और ये जो यू आर एल है इसको हम स्क्रैच में यूज़ करेंगे टू कॉल दिस पर्टिकुलर मॉडल तो अब ये जो मॉडल है ये क्लाउड में अपलोड हो चुका है और इसका एक ये यू आर एल हमें मिल गया है तो मैं इस यू आर एल को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसे अभी टेम्प्रेली यहाँ पर अपने उसमें नोट भी कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं इसको कॉपी पेस्ट कर पाऊँ तो हमारा मशीन लर्निंग बेस मॉडल अब तैयार है इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस मॉडल को स्क्रैच के एक स्पेशल वर्जन में कॉल करेंगे और उसको ब्लूटूथ से माइक्रोबिट कार से कनेक्ट करेंगे और फिर कार को वॉइस बेस कमांड से ऑपरेट करेंगे